हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ ईवीएस, चैप्टर नंबर 2, माय स्कूल। ओके, आज हम माय स्कूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक द प्लेस दैट यू फाइंड इन योर स्कूल एंड क्रॉस द वंस विच आर नॉट देयर। आपके स्कूल में जो भी प्लेस हैं उस पर आपको राइट का साइन लगाना है, और जो नहीं है उस पर आपको क्रॉस का साइन लगाना है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में क्लासरूम है उस पर टिक लगाया, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड, ऑफिस है, असेंबली हॉल है, ठीक है, सिक रूम नहीं है, स्टाफ रूम है, स्कूल कैंटीन नहीं है, स्कूल टॉयलेट है, ठीक है, तो उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, वी गो टू स्कूल टू लर्न एंड प्ले गेम्स, वी लर्न टू रीड एंड राइट, वी लर्न टू ड्रॉ एंड कलर इन अवर स्कूल। हम स्कूल किस लिए जाते हैं, हम स्कूल गेम खेलने और पढ़ने जाते हैं, ठीक है, सीखने लिखने पढ़ने जाते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट, हम वहाँ पे क्या करते हैं, रीड और राइट करते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। वी लर्न टू ड्रॉ एंड कलर इन अवर स्कूल, हम स्कूल में कलर और ड्राइंग भी सीखते हैं, ठीक है, कलरिंग एंड ड्राइंग करना भी आप लोग स्कूल में सीखते हैं। क्या, वी लर्न टू सिंग एंड डांस, हम डांस करना और गाना गाना भी सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, हम अच्छी आदतें और गुड मैनर्स भी सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, ठीक है। वी हैव अ मॉर्निंग असेंबली एंड देन वी गो टू आवर क्लास, हम पहले मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं, हमारे यहाँ पहले मॉर्निंग असेंबली होती है फिर हम क्लासरूम में जाते हैं। आपके यहाँ भी मॉर्निंग असेंबली होती है ना, पहले प्रेयर होगी फिर पीटी होती है, ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग असेंबली होती है, उसके बाद हम अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। टीचर्स टीच अस लेसन, टीचर हमको पढ़ाती है। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट गो टू स्कूल, सभी चिल्ड्रन के लिए स्कूल जाना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। इट इज़ द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, सभी बच्चों को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लिखना पढ़ना ड्राइंग सिंगिंग डांसिंग, ठीक है, हर एक चीज़ हम स्कूल से ही सीखते हैं। ठीक, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। कंपलसरी मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज़ हमको करना ही है, ठीक है, मतलब एक लॉ होता है कानून के तहत वो चीज़ हमको करनी है। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न हाउ टू रीड राइट एंड काउंट, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं लिखने पढ़ने और काउंटिंग सीखते, काउंट करना भी सीखते हैं हम। वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, वहाँ हम गुड मैनर्स और हैबिट भी सीखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, सभी चिल्ड्रन के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, टिक द करेक्ट आंसर, द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ, टीचर ब्लैक बोर्ड में किससे लिखती है, चॉक से, ठीक है। वी थ्रो पेपर, हम पेपर कहाँ फेंकते हैं, इन अ डस्टबिन। ड्यूरिंग द ब्रेक वी ईट, ब्रेक जब होता है तो हम क्या खाते हैं, लंच करते हैं, ठीक है। डस्टर इज यूज टू क्लीन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के लिए डस्टर का यूज करते हैं। वी लर्न इन स्कूल सॉन्ग डांस रीडिंग ऑल ऑफ दिस, हम ये सभी चीज़ें स्कूल में लर्न करते हैं। ओके, राइट यस और नो, वी स्टार्ट द डे विथ अ प्रेयर इन द मॉर्निंग असेंबली, यस, हमारा जो स्कूल स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग असेंबली से स्टार्ट होता है, यस। द टीचर्स डू नॉट टीच अस इन स्कूल, टीचर नहीं पढ़ाती स्कूल में, नो। वी ईट लंच इन द ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम पर हम लंच करते हैं, यस। वी शुड नेवर शेयर अवर थिंग्स, हमको कोई चीज़ अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए, गलत, नो, हमको चीज़ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कीप अवर स्कूल क्लीन, हमको अपना स्कूल क्लीन रखना चाहिए, यस, ठीक है। मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवेन इन द बॉक्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पिक्चर से वो वर्ड मैच करना है। जैसे ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस, तो हमने प्रिंसिपल ऑफिस में इसको मैच कर दिया। ये गार्ड रूम, ठीक है, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड जहाँ हम खेलते हैं, ठीक है, रिसेप्शन जहाँ पे फ़ोन वगैरह कोई
किसी को कुछ पूछना है तो वहाँ पे रिसेप्शन होता है स्कूल में। ठीक, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है, सर्कल द एक्टिविटीज़ यू डू इन स्कूल वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उस पर आपको सर्कल करना है, जैसे रीडिंग, डांसिंग, ठीक है, राइटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, पेंटिंग, शेयरिंग, ये सब एक्टिविटी आपके स्कूल में होती है ना, तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए मिसिंग है, आपको उसको कंप्लीट करना है। द ब्लैक बोर्ड इज फाउंड इन द, ब्लैक बोर्ड कहाँ होता है, क्लासरूम में। ठीक है, तो मिसिंग को हमको फिल करना है पूरा। व्हेन वी आर सिक वी गो टू द सिक रूम, जब हम बीमार होते हैं तो हम किस रूम में जाते हैं, सिक रूम, स्कूल में एक सिक रूम होता है वहाँ पे। स्टोरी बुक आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। वी प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। अ टेलीफोन इज एट द रिसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट एक्टिविटीज आर दिस स्टूडेंट डूइंग, टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। जो ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपको नेम लिखने, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं उसका, आपको पिक्चर्स के सामने नेम लिखना। जैसे ये क्या कर रही है, राइटिंग, तो हमने यहाँ पे राइटिंग लिखा। ये रीडिंग, ये जंपिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना अपने टीचर से तो हैंड्स को आप करते हैं ऐसे। ठीक है, क्लाइंबिंग, ये चढ़ रहा है, प्लेइंग, ठीक है, ये रनिंग। ठीक, तो ये आपको एक्सरसाइज सारी बुक में फिल करनी है, हम केवल कॉपी में क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप सारी एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे और चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके।